हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, दीपावली का टाइम है तो हम सबसे पहले आपको दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएँ देंगे और आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास किस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट और आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि दीपावली का टाइम है, आप लोग भी दीपावली के टाइम पे झालर लेने जाते हैं, तो आप किस तरीके से झालर ले सकते हैं कि जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से झालर आपको मिल सके। कौन सी झालर को क्या मतलब कैसे डील करना है, तो ये हमारी जो लाइट झालर है आप देख सकते हैं हमारे पास जो झालर है, ये झालर फ्रेंड्स RGB की झालर है जो बहुत सही अच्छी होता है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें ट्रांसमीटर पूरी तरह से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, इस झालर को हम आपको चेक करके एक बार दिखा देते हैं। आपको मेरे पास कई सारी झालर है, सारी झालर आपको चेक करके दिखाएंगे और आपको उसी प्रकार से झालर को मार्केट में लेना है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी झालर किस तरह से ग्लो कर रही है, तो आप भी ऐसे इस प्रकार की झालर आपको मार्केट में बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी और सस्ते दामों में मिल जाती है। तो ऐसे देख लीजिए कि आपकी झालर मतलब ये मतलब रनिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारी झालर आपको इसी प्रकार की भी मिल जाएगी जो कि डायरेक्ट जलती है, तो आपको उसी पैसे में उसी दाम से आपको मिलेगी, लेकिन वो आपकी डायरेक्ट नहीं जलेगी, आपको इस प्रकार से झालर जलेगी। तो ये आपके झालर के लिए मतलब आपको इस प्रकार की झालर लेना चाहिए। तो और एक झालर मेरे पास है जो कि डायमंड झालर है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें इस प्रकार से वायर को लगा लेना है और इसको भी चेक कर लेना है। आपको वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक बोर्ड मिले, बोर्ड हर दुकान पे मिल जाता है, आप वहाँ पे चेक करके ही झालर लें, वरना कहीं आपको ख़राब झालर मिल जाएगी तो आपके लिए दिक्कत होगा। तो आपको बहुत ही आसानी से सावधानी से तरीके से आपको झालर लेना है। तो जैसा कि ये झालर है इसको हम लगा लेंगे और ये भी आप देख सकते हैं डायमंड झालर जो होती है बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी जलती है। तो ये आपके दिखाने के लिए, आपको जानकारी के लिए मैं बताने वाला था कि ये मतलब इस टाइप की झालर भी होती है, तो आप ऐसे झालर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं आपको दूसरी झालर भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक झालर ये भी है, तो इसमें हमें आपको ये भी झालर चेक करके दिखाऊंगा। ये 65 मीटर की झालर है, ये दाना वाली झालर है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी आप इस तरह से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लगाएंगे तो इस प्रकार से जलता है, आपकी डिब्बी है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, इस प्रकार से जलेगा और एक बार दाबेंगे तो आपको झालर इस प्रकार से भी जलना चालू हो जाएगा। तो आप जितना बार इसको दाबेंगे ये बारी बारी आपको कलर चेंज करती हुई नज़र आएगी, मतलब ये जल्दी जल्दी काम करेगी। तो इस प्रकार से ये भी झालर होती है, आप ऐसे भी झालर आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि एक कौन सी झालर आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये भी झालर ले सकते हैं, बस खाली इसमें इतना फ़र्क है इसका दाना छोटा आता है, जो इसमें लाइट लगी होती है वो छोटे दाने की लाइट लगी होती है। तो आप इस प्रकार से झालर इसको भी ले सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। बाकी आपको और भी झालर दिखाऊंगा मैं, एक झालर ये भी है, ये भी दाना वाली झालर है, लेकिन आपको उस झालर में और इस झालर में फ़र्क आएगा। ये 45 मीटर की झालर है, ये भी झालर देख सकते हैं इस प्रकार से जलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी झालर लें बहुत ही आसान अच्छा रहता है देखने में भी, और आपको बहुत इजी तरीके से आप झालर ले सकते हैं।
एक झालर मेरे पास और है, वो भी आपको दिखा देता हूँ वो किस प्रकार से जलेगी। फ्रेंड्स ये भी एक डायमंड झालर है, जो कि ये भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से जलना जलेगी आपकी झालर। फ्रेंड्स ये झालर इस प्रकार से जलेगी आपकी, तो आप इसको भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके लिए। ये भी डायमंड झालर बहुत अच्छी होती है, बड़े दाने में आती है जो कि आपको देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसका रेंज जो होता है ये दूरी दूरी पे नहीं, इस झालर में दाना इसका दूर दूर लगा होता है, इसका दाना बहुत दूर नहीं लगा होता है। तो इस प्रकार से ये झालर की क्वालिटी होती है फ्रेंड्स। आप चाहें तो ऐसे झालर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी अच्छा लगा होगा, मेरी दी हुई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में बस खाली इतना लिखना है कि आप कहाँ से हैं और किस राज्य से हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।